पनीर टिक्का रोल है, पनीर टिक्का पराठा रोल है। तो ये अभी कौन सी मेकिंग हो रही है? इसके लिए हमने एक मसालादार रोटी स्टार्ट किया है, रैप जैसे हम जो बनाते हैं ना सर, मेदे का होता है, फ्रैंकी के लिए जो रोल यूज करते हैं। ठीक है सर, तो इसके अंदर क्या डाला हुआ है? तो ये तो हमारा व्हीट फ्लार ही है और इसके अंदर बीटरूट है, मेथी है, अजवाइन है, इस तरह से मसाला करके हमने डो रेडी किया है। ये पहले बन गया है ये रोटी? हाँ, ये बेस बना दिया है सर। राइट, बेस हो गया। ये हमारा होममेड है सर, ये हमारा तंदूरी सॉस है, मेयोनीज तंदूरी। ये क्या, ये तंदूरी सॉस? हाँ जी, इसमें जाता है थोड़ा सा मिंट पुदीना, मिंट पुदीना चटनी जी, इससे अच्छे से तैयार। ये जा रहा है कैबेज। और ये पनीर टिक्का के पीसेस है, पनीर के राइट मैरिनेट है जी, मैरिनेट। केचप। तो आपके यहाँ दूसरा क्या क्या मिलता है सर? जैसे मैंने आपको बताया अभी हरा भरा पराठा है जिसमें सोया चंक्स हम स्टफ करते हैं, पालक का डो रहता है टू मेक प्रोटीन स्टफ हेल्दी। ये हमारा रोल रेडी है हमारे कस्टमर। और ये पनीर रोल की प्राइस क्या रहती है? पनीर रोल की प्राइस ये मैक्स लास्ट प्राइस है हमारी 100। यहाँ पे कस्टमर लुफ्ट उठा रहा है पनीर रोल का। और ये है थेपला, बीटरूट थेपला। तो आपको ये पनीर रोल का टेस्ट कैसा लगा? काफ़ी अच्छा है, ये सॉफ्ट भी है काफ़ी। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो? तो मैम आपके ये स्टॉल पे क्या क्या मिलता है? सर हमारे यहाँ सारे हेल्दी फूड आइटम मिलते हैं जो कि ब्रेकफास्ट में लिए जाते हैं, जैसे कि हरा भरा पराठा है जिसके लिए हम पालक का डो रखते हैं और स्टफिंग के लिए हम सोया चंक्स डालते हैं। दूसरा होता है हमारे पास हरियाली पोहा जिसके अंदर पुदीना कोरिएंडर ग्रीन चिली का फ्लेवर होता है, उसको हम कड़ी या रगड़ा के साथ सर्व करते हैं। पराठों में हमारे पास वैरायटी है जैसे आलू पराठा, क्रंची ऑनियन आलू पराठा, हरा भरा पराठा हुआ, बीटरूट थेपला हुआ, वेजिटेबल थेपला हुआ, अभी नया ऐड ऑन होने वाला है मल्टीग्रेन थेपला स्टार्ट होगा। फिर पनीर टिक्का रोल होता है, पराठा रोल होता है जैसे कि आलू पराठा बनाते हो, फिर उसके अंदर हम सर्व करके फ्रैंकी की तरह देते हैं। हम बेस में कभी भी मैदा यूज़ नहीं करते, हम व्हीट फ्लार यूज़ करते हैं। और वीकेंड स्पेशल में हमारा कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है जो कि हेल्दी वे में ही लाना पसंद करते हैं हम लोग। जैसे अभी इस बार आने वाला है हमारा सोया टिक्की बर्गर, जो बर्गर में आप आलू की टिक्की सोचते हैं या बनाते हैं उसी तरह से हम सोया की टिक्की बनाते हैं जो कि बच्चों के लिए हेल्दी होगा और हाई प्रोटीन रहता है, इसलिए हम वही ट्राई करते हैं जो कि हाई प्रोटीन बेस पे जाए ब्रेकफास्ट में, जो कि हेल्दी रहता है। सो लो कार्ब रहता है या लो कार्ब रहता है, मोस्टली लो कार्ब ही हम यूज़ करते हैं, ऑयल भी हम कम यूज़ करते हैं और व्हीट फ्लार यूज़ करते हैं, और जहाँ तक वो पनीर के आइटम्स हो, सोया चंक्स के आइटम हो, इस तरह के आइटम्स यूज़ करते हैं। आपके स्टॉल के टाइमिंग्स क्या रहते हैं? हमारा टाइमिंग सर 6:30 to 10:30 है, अप्रॉक्स 10:30 हो ही जाता है। बाकी हमारे पास जो भी आइटम है वो स्टार्ट होता है 40 rupees से लेके 100 तक जाता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और आपके स्टॉल का नाम और लोकेशन? हमारा स्टॉल का नाम है हेल्दी हब कॉर्नर, हमारा ये वेन्यू जो है वो है कमाडी गार्डन वडोदरा नियर सेकेंड। ठीक है, थैंक यू।